अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। पिछले दिनों मैंने पाकिस्तान की सैर की थी। 9 सितंबर सन 2020 को कराची से रवाना हुआ और 24 दिन बाद 2 अक्टूबर सन 2020 को वापस कराची पहुंचा। कुल 4,640 किलोमीटर का सफ़र तय किया। ये सफ़र मैंने अकेले अपनी सुजुकी मेहरान कार में किया। इस दौरान मेरे साथ ना कोई दोस्त था, न रिश्तेदार और ना ही कोई ड्राइवर। इस वीडियो में आप लोगों को पहले दिन से आखिरी दिन तक के सफ़र का खुलासा मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। 9 सितंबर सन 2020, आयशा मंजिल कराची से पेट्रोल लिया और नेशनल हाईवे के जरिए हालेजी झील पहुंचा। दो घंटे हालेजी झील में गुजारा और ठट्टा रवाना हुआ। रात ठट्टा के होटल में गुजारी और अगले दिन कलरी झील की तरफ रवाना हुआ। कलरी झील में दो घंटे गुजारे और मोरो सिंध की तरफ रवाना हुआ। रात मोरो में क्याम किया और अगली सुबह सादिकाबाद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में केले और खजूर के बागात देखे। सितंबर सन 2020, सुबह सादिकाबाद से रवाना हुआ और भावलपुर से गुजरता हुआ रात को मुल्तान पहुंचा। अगले दिन सुबह एक वर्कशॉप में गाड़ी मरम्मत कराई और हज़रत शाह रुकुन आलम रहमतुल्ला अलैह के मज़ार की ज़ियारत की। मुल्तान का मशहूर घंटाघर देखा और बजरिया मोटरवे रावलपिंडी रवाना हुआ। रात रावलपिंडी में गुजारी। अगली सुबह मुजफ्फराबाद रवाना हुआ। मरी के करीब नाश्ता किया। एलियट मरी से गुजरता हुआ कोहाला पहुंचा। कोहाला पुल और कश्मीर आबशार देखा। मुजफ्फराबाद से पहले दरियाए झेलम किनारे एक होटल में क़याम किया। 15 सितंबर सन 2020, सुबह मुजफ्फराबाद से निकले और नीलम वैली चले, लेकिन रास्ता भटककर पतरिन डैम पहुंच गए। पतरिन डैम से निकले और नीलम वैली पहुंचे। रात एक गेस्ट हाउस में गुजारा। अगली सुबह आगे रवाना हुए, लेकिन सड़क की हालत देखकर मजीद आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक जगह रुककर दरियाए नीलम का नज़ारा किया और वहां से वापस मुजफ्फराबाद रवाना हुए। रास्ते में खूबसूरत आबशार और दिलफरेब मनाजिर देखा। सत्रह सितंबर सन 2020, सुबह मुजफ्फराबाद से पीर चनासी रवाना हुए। पीर चनासी से चंद किलोमीटर कबल एक गेस्ट हाउस में रात क़याम किया। अगली सुबह पीर चनासी की तरफ दोबारा रवाना हुए।
पीर चनासी पहुंचकर मज़ार की ज़ियारत की और इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजिर देखे। फिर वापस मुजफ्फराबाद चले। रास्ते में कुछ देर के लिए एक गेस्ट हाउस पर भी रुके। सितंबर सन 2020 मुजफ्फराबाद होटल से नारायण के लिए रवाना हुए। शाम के वक्त गढ़ी हबीबुल्ला पहुंचे। अगली सुबह गढ़ी हबीबुल्ला से रवाना हुए। बालाकोट से होते हुए वादी कागान पहुंचे। वादी कागान के खूबसूरत मनाजिर देखते हुए नारायण की तरफ चलते रहे। शाम के वक्त नारायण पहुंचे। सितंबर सन 2020 नारायण से निकले, बाबूसर टॉप गए। वापसी पर नीला ग्लेशियर देखा, फिर सैफुल मलूक गए। अगले दिन नारायण से मानसेहरा के लिए रवाना हुए। वादी कागान से होते हुए बालाकोट पहुंचे। फिर बालाकोट से होते हुए मानसेहरा पहुंचे। अगले दिन मानसेहरा से बिशाम के लिए निकले। हजारा मोटरवे और उसके टनल्स से होते हुए थाकोट पहुंचे। शाम को थाकोट से बिशाम पहुंचे। सितंबर सन 2020 सुबह बिशाम से निकले और मदियन की तरफ चले। शांगला टॉप और ख्वाजा खेला से होते हुए शाम को मदियन पहुंचे। अगली सुबह कालाम रवाना हुए। कालाम में एक घंटा रहे, फिर वापस बहरीन आए। रात बहरीन में क्याम किया। अगली सुबह इस्लामाबाद के लिए निकले। सवात मोटरवे के जरिए रात को इस्लामाबाद पहुंचे। अगले रोज इस्लामाबाद में अपनी गाड़ी ठीक कराई। क्लास फेलो दोस्त से मिले। रात इस्लामाबाद में क्याम किया। सितंबर 2020 लाहौर के लिए रवाना हुए। रात लाहौर पहुंचे।
अगले रोज दाता दरबार, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शाही किला देखा और क्लास फेलो दोस्त से मुलाकात की। रात लाहौर में क़याम किया और अगली सुबह दिल्ली गेट लाहौर देखते हुए मुल्तान रवाना हुए। अगले रोज मुल्तान से चले और रानीपुर में क़याम किया। अगले रोज रानीपुर से चले, शाम को जामशोरो और रात को कराची पहुंचे। ये तो था 24 दिनों के सफर का खुलासा। अगली वीडियोस में हर रोज का और हर जगह का अलग अलग तफसील पेश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और अगर मज़ीद वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।